हिजाब विवाद में मुस्लिम छात्राओं को आतंकवादी कहने वाले नेता यशपाल सुवर्णा को बीजेपी ने दिया टिकट। पिछले साल कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर बैन लगा दिया गया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। इस दौरान कर्नाटक बीजेपी के एक नेता ने भी हिजाब पहनने की मांग करने वाली छात्राओं को आतंकवादी बोला था। इसी नेता को अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। दरअसल बीते मंगलवार 11 अप्रैल की आधी रात को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसमें पहले मौजूदा बीजेपी विधायक रागपति भट्ट को टिकट दिया गया था, जिसे बाद में काट दिया गया और उडुपी विधानसभा क्षेत्र से यशपाल आनंद सुवर्णा को दिया है। यशपाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ओबीसी वर्ग के मोगावीरा समुदाय से आने वाले 45 वर्षीय यशपाल सुवर्णा उडुपी गवर्नमेंट पीयू गर्ल्स कॉलेज की विकास समिति के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने हिजाब विवाद के दौरान बड़ी भूमिका निभाई थी। हिजाब के खिलाफ वो सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने कोर्ट पहुंची 6 मुस्लिम छात्राओं को आतंकवादी तक कह डाला था। आज भी यशपाल सुवर्णा कहते हैं कि वो अभी भी अपने इस बयान पर कायम है, क्योंकि जो लोग देश के कानून का पालन नहीं करते हैं वो सब देशद्रोही हैं। यशपाल सुवर्णा के पिता एक बैंकर थे। मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक को छोड़ दिया था। बीजेपी के इस फैसले को लेकर जनता ने भी नाराजगी जताई है। एक यूजर ने लिखा, ये इतना गिर गए हैं कि मुस्लिम उम्मत को बदनाम करके अपना पेट भर रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम किए बिना इनका पेट भरता ही नहीं है। ऐसा हाल हो गया है इन लोगों का, अल्लाह इनको हिदायत दे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, जो कोई भी मुस्लिम को गाली दे, कुछ बुरा बोले या इस्लाम का मजाक बनाए, उसको बीजेपी की टिकट पक्की है। एक और यूजर ने लिखा, आखिरकार मुसलमान के नाम पर ही टिकट मिला इसको। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, समुदाय विशेष के खिलाफ चिल्लाकर अनाप शनाप बोलना बीजेपी का ध्यान खींचने का सबसे आसान रास्ता बन गया है कुछ लोगों के लिए। मुस्लिम छात्राओं को आतंकवादी कहने वाले नेता यशपाल सुवर्णा को टिकट देने के बीजेपी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।